बेसिकली कल जो वीडियो मैंने डाला था तो इसी बोर्ड का ही था, DS2 देख सकते हो। और ये कंपोनेंट अभी भी मैंने फिक्स नहीं किया क्योंकि रात तक मेरे पास नहीं रहेगा और फिक्स करके मुझे डिलीवरी करना है, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा उसके पहले मैं ये क्लिप डाल दूंगा। तो देखो इस सेक्शन और इस सेक्शन और इस सेक्शन में मैंने एक जो कंपोनेंट हटाया था, और इसमें 51 कोड था। लास्ट तक मैंने वीडियो एंड कर दिया था, कहा था कि मैं सॉल्व कर दूंगा। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कोर आईसी की वजह से होता है, तो उनके लिए कहता हूँ सर कोर आईसी की वजह से रैम का इरोर कब आता है एकदम, मतलब और कुछ करने का मतलब चांस जब नहीं आता है तब लोग जाते हैं कोर आईसी पे। उससे पहले ऐसे 10-20 देखो डिस्प्ले आ गया, 10-20 और भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं उनके ऊपर एक बाई एक स्टेप करके जाना होता है। तो देखो ये जो मैंने बेसिकली इस बोर्ड में प्रॉब्लम था वो सीपीयू पिन्स के ही वजह से था, एक पिन के वजह से था जिसके ऊपर मैंने एक शॉट डाल के रखा है, और लकीली वही पिन इस बोर्ड में भी मतलब डाउन था, खराब था। तो एक पिन मैंने थोड़ा सा अप कर दिया, ऊपर कर दिया, तो बोर्ड रेडी हो गया। तो थैंक यू, ये वीडियो मैं बना के रखता हूँ, नेक्स्ट किसी वीडियो से पहले ऐड कर दूंगा। तो देखो ये बोर्ड अगर आप परचेस करते हो सेकंड हैंड, नया तो नहीं मिलेगा, मतलब रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मतलब यूज प्रोडक्ट, तो ये अगर परचेस करते हो तो ये मॉडल देख सकते हो यहाँ पर D945GCPE दिख रहा है क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 इसका प्राइस हो सकता है, और ये सबके पास मिलता भी नहीं है। तो पर जिसके पास मिलेगा ऐसा ही लगभग प्राइस है। पर ये बोर्ड इतना दूर से कुरियर आया है, 300 से लेके 400 तक इसका कुरियर में जाएगा, उसके बाद सर्विस चार्ज। अगर मैं सबसे कम चार्ज भी करूँ 300, तो मतलब 600-700 तो यहीं पर ही हो गया। तो फिर भी इतने दूर से आया है मतलब उम्मीद लेके भेजा है, तो देखते हैं बोर्ड में क्या है। लगभग नो डिस्प्ले का इशू ही है। तो देखो एक बार मैंने चला के देख लिया था पहले ही, तो अभी डायरेक्टली बस दिखा रहा हूँ तो किस टाइप का प्रॉब्लम है देखो, और फटक से सलूशन करते हैं इसका, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब बहुत दूर से आया है ये बोर्ड कुरियर होके, और कुरियर चार्ज जितना लगता है और कुछ देने से ये बोर्ड हो जाता है, पर वहाँ पर शायद मे भी इतना फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल बोर्ड का, इसलिए आया है। तो चलो आया है मतलब इसको कुछ ना कुछ करके रिपेयर तो करना पड़ेगा। तो ये मैंने टिगर दिया, ओ सॉरी पेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड। तो ये टिगर दे दिया, सॉरी 4 पिन ATX, डाला, अब पावर दिया, अब टिगर देता हूँ। ये देखो थोड़ा सा कोट मतलब वेरिएशन हुआ है, 28 पे जाके रुक गया है, और डिस्प्ले लगभग नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिर भी मैं दिखाता हूँ, बीजे पे भी देखते हैं, तो नहीं है डिस्प्ले, ठीक है, फिर भी देख लो। ये देखो नहीं है बीजे पे डिस्प्ले नहीं है, और अगर इस स्लॉट पे लगाए तो कोर्ट का कुछ और वेरिएशन है या फिर सेम है, वो भी देख लेते हैं एक बार। कोर्ट का वेरिएशन कुछ नहीं है, 2080 है, सेम है, पर डिस्प्ले भी नहीं है, ठीक है, ना तो कीबोर्ड पे है ना बीजे पे है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या डायरेक्टली हम बायोस चिप को रिमूव करके फिर रीप्रोग्राम करके फिक्स कर दें, क्या ये सही रहेगा, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, यही करना चाहिए या फिर कुछ और। तो देखो इंटेल का बोर्ड में बायोस का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, पर फिर भी क्या करें, करें तो क्या करें। और इसमें जो है ये नॉर्मल बायोस नहीं है, छोटा सा है इस सॉकेट में, तो साथ में रहो। ये है इसका बायस चिप, MX का चिप है। तो देखो ये है इसका बायस चिप, और एक सेकेंड, और एक
यस, हाँ ये है इसका बायोशिप। तो देखो एक चीज, इस बोर्ड तो बोर्ड में जो भी बनेगा इजीली बनेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये बायस चिप को लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। मान लो आपके पास लेटेस्ट जनरेशन का जो बोर्ड आ रहा है, उस बोर्ड में क्या है ना, ये जो हमारा कॉमन बायस है, इस टाइप का बायस नहीं आता है, बायस चिप नहीं आता है, ठीक है? देख सकते हो, ये देखो कॉमन बायस, ऐसा चिप मतलब कम आते हैं लेटेस्ट बोर्ड में, या फिर कुछ बैकडेटेड, जैसे कि इस बोर्ड में। तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ सैंपल, तो इसमें क्या है, आसान हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड साथ रहो, एक चीज में सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, और यही है आज का मेन वीडियो। बाकी बोर्ड रेडी हो जाएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बोर्ड रेडी हो गया कैसे हो गया, पर वीडियो जो है इम्पोर्टेंट, अभी मैंने सोच लिया है टॉपिक इसके ऊपर ही डाल देंगे। तो देखो किसी भी बोर्ड में अगर बायस चिप लगा हुआ है, तो मान के चलो इस बोर्ड में भी है, तो देखो ये बायस चिप है, और ये देखो यहाँ पर सेम चिप है, यहाँ पर भी सेम चिप है, यहाँ पर भी सेम चिप है, पर क्या है, आप ना इस टाइप का चिप ढूंढ के पा नहीं पा रहे हो बोर्ड में। तो मान के चलो अगर ऐसी टाइप का चिप नहीं मिलता है, तो कुछ कुछ बोर्ड में बायस चिप, और एक बात दिखाता हूँ, ऐसी टाइप का आता है, शॉप एट का आता है, पर ऐसी नहीं, ऐसी टाइप का आता है, पर वो 8 पिन होता है, पर थोड़ा सा मतलब ये मोटा ही है, और ये थोड़ा सा चिकना है, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं। पर कभी कभार बहुत सारे लोग जो काम करते हो, रेगुलर बेसिस काम करते हो, उनको ढूंढने में तकलीफ नहीं है, वो इजीली जान जाते हैं, पर जो नए हो मतलब काम सीख रहे हो, वो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाते हो। तो मान के चलो ये बोर्ड आपके पास आ गया, जो बिगिनर्स हो बट बहुत काम नहीं कर चुके हो आप पहले, तो अभी आप क्या करोगे, ऐसी टाइप का जो प्रॉब्लम देखा, कौन सा कोड पे था, 58 या फिर 20, क्या मुझे याद नहीं है, वो कोड अगर रहा तो आपका दिमाग में पहला स्टेप ही आएगा कि मैं बायस को एक बार रिप्रोग्राम करूँ, चाहे आपके पास बायस फाइल रहे या ना रहे। पर इसके बायस फाइल आपके पास नहीं रहेगा, जो बिगिनर्स हो काम कर रहे हो उसके पास ये बायस फाइल नहीं, वो मिलेगा नहीं, तो वो टॉपिक तो छोड़ ही देते हैं। तो अभी देखो बायस चिप ये जो है, इसको फाइंड आउट कैसे कर लेंगे तुरंत चटक से, अगर 2-3 चिप सेम दिख जाए। देखो ये एक चिप, ये एक चिप, ये एक चिप, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, सेम टाइप का दिख रहा है। तो पहला एक क्लू मैं देता हूँ, अगर इसके ऊपर आपको देखना है विन बॉन्ड, मतलब मैंने कुछ कुछ बायस बताया था, वो कंपनी का आईसी है कि नहीं, मतलब सिफियन का मिलेगा, विन बॉन्ड का मिलेगा, एमएक्स आईसी का मिलेगा, एचके का मिलेगा, तो ऐसा ऐसा कुछ मॉडल होता है आईसी का। ये आईसी सिर्फ बायस चिप पे ही आता है, अदर कोई चिप में नहीं आता है। तो ऐसी टाइप का अगर आपको चिप देख के पता चलता है, तो ठीक है आपने देख लिया। तो देखो ये जो चिप है, ये एमएक्स का चिप है, तो मैंने एमएक्स देख के झटक से पकड़ लिया कि यही बायस है, पर बायस इसका नॉर्मल जो बायस है कहाँ रखा था, ये वाला, तो ऐसी टाइप का बायस इसमें नहीं है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो ये जो चिप है, ये जो सॉकेट लगेगा, तो मैं दिखाता हूँ, ये जो सॉकेट है इसमें ये नहीं आएगा, तो ये 200 मिली से लेके 209 मिली तक होता है, और वो जो चिप है वो, और इससे भी छोटा एक चिप जो आता है, तो उस चिप में सॉकेट आता है, उसमें ये जाता है। तो अभी क्या करें, आप कंफ्यूजन में हो कि बायस फाइल कौन सा है, तो देखो सिंपल सी एक ट्रिक बता देता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है वीडियो हर रोज़। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लो, और एक ग्राउंड कर दो, ब्लॉक प्रॉप को ग्राउंड कर दो, ठीक है? ये ग्राउंड कर दिया, कंटिन्यूटी दे रहा है, तो ये जो नोड मिलेगा, ये तो सभी जानते हैं 1 नंबर पिन है, और 4 नंबर पिन इसका हर वक्त अगर ग्राउंड रहे, तो देखो मैंने पहले देखा नहीं, तो डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो 4 नंबर पिन इसका ग्राउंड है, बाकी कोई भी पिन में कंटिन्यूटी नहीं आएगा इसका, ठीक है? ये सिर्फ 4 नंबर पे ही आ रहा है, तो बाकी पिन में कंटिन्यूटी अगर ना आए, 4 नंबर पे आए, तो आप समझ लो एक ही टाइप का आईसी हर जगह पे है। मान लो ये आईसी नहीं है, ये आईसी नहीं है, तो आपको 4 नंबर पिन अगर ग्राउंड है, तो वो ही वायस चिप है। बाकी सारा जो आईसी है, अभी मैं सैंपल की तौर अगर दिखाऊं, तो यहाँ पर एक आईसी है, ये है इसका
ये देखो एक नंबर पिन ये ग्राउंड है, ये चार नंबर पिन, ये देखो चार नंबर पिन पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो मतलब ये बायस नहीं है। सेम यहाँ पर भी चले जाते हैं, तो ये है एक, ये है चार नंबर पिन, सॉरी 1 2 3 4, ये देखो ये भी ग्राउंड नहीं है, ये भी बायस चिप नहीं है, पर चिप देखने में सेम है। ये भी एक है, दिखा देता हूँ, ये देखो चार नंबर पिन, ये है एक नंबर पिन, 1 2 3 4, ग्राउंड नहीं है। तो ऐसे ही पता किया जाता है बायस चिप कौन सा है। अगर आपका मतलब नॉलेज में नहीं है, थोड़ा सा चिप बदल गया है, साइज छोटा हो गया है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो यही है मेन टॉपिक। तो अभी जाते हैं इस बोर्ड के वीडियो के ऊपर और सारा हटा देते हैं। तो देखो बेसिकली क्या है, एक कोड पे अटक रहा है, तो बायस पे कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि इंटेल का बोर्ड है, इसीलिए मैं तो बस बता रहा हूँ, मेरा तो हैबिचुअल है इसीलिए बता रहा हूँ, पर आप उस पे ध्यान मत दो। पर क्या कर रहा हूँ ये देखो, क्यों इसको निकाल रहा हूँ, इसका ही प्रॉब्लम क्यों हो सकता है। इतना डिटेल्स में जाओगे तो कहीं पे जाके पैसा देके कोर्स कर लो, ठीक है, तो फिर आपको भी नॉलेज आ जाएगा। ये बहुत झंझट का केस है, ये हटाया, ये हटाया, दोनों दोनों साइड पे रख दिया। अब क्या है कि इसको निकालना है, ये है इसका ICH का कंडीशन, तो हीट सिंक को यहाँ रखता हूँ, देख सकते हो बहुत गंदा है, डस्ट है, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। तो अभी डेमो दिखाते हैं, बाद में इसको फुल फिक्स करेंगे, कोई पेस्ट वेस्ट नहीं है। आपके पास अगर लिक्विड की कमी नहीं है और आप मतलब लिक्विड में कंजूसी नहीं करते हो थिनर पे, पर करना चाहिए, इसका प्राइस बहुत है। ऐसे डालना है आपको, और ध्यान रहे अगर पानी वाला थिनर आप यूज करते हो तो ऐसे रिक्स मत लिया करो, तो पूरा जाएगा। पर इसके साथ साथ और एक चीज, कुछ कुछ IC का चार नंबर पिन पे कंटिन्यूटी आ सकता है, अगर आ रहा है तो उसका जो चिप का कौन सा चिप है वो थोड़ा सा आपको देख लेना है, मतलब सब कुछ कुल मिलाकर एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है और मैंने बता दिया चार नंबर पे बीप करेगा तो ही बायस है, तो ऐसा करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मतलब आपको नॉलेज चाहिए इसके ऊपर, थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा नहीं चाहिए, मतलब चाहिए 40% नॉलेज चाहिए, तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है मतलब, तो IC कौन सा IC बायस चिप पे आता है, उस कौन सा कंपनी का चिप आता है, ये तो नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ IC ऐसा है, मैं अभी नाम नहीं बता सकता, पर उसका चार नंबर पिन ग्राउंड होता है पर देखने में बायस चिप जैसा ही लगता है, ये लैपटॉप में आएगा ज़्यादातर, तो इसके चक्कर में बीप कर रहा है, मतलब यही बायस है। और नॉर्मल एक IC MOSFET को उखाड़ के आपने प्रोग्रामिंग पे डाल दिया प्रोग्रामर पे, तो काम नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना है आपको कि बायस चिप कौन सा कंपनी का आता है, थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। बहुत सारा आता है, 10-12 कंपनी का बायस चिप आता है, ठीक है। मैंने 3-4 अभी बोला, CP1 बोला, Winbond बोला, MX का बोला, HK का बोला, तो देखो ये कोर्ट पे जाके अटक रहा है, पता नहीं डिबग कार्ड में इशू है, स्लॉट में इशू है, पता नहीं, पर डिस्प्ले तो आउट नहीं हो रहा है, टोटली आउट नहीं हो रहा है। अभी मैंने समझा, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने समझा कि इसका ICH से ही प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विड डाल के हल्का सा हीटअप किया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं,
और अभी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, हम एक बार देखेंगे कि अगर इसका डिस्प्ले आता है तो फिर पेस्ट वगैरह डाल के मतलब परमानेंट फिक्स करके, हिट करके फिक्स कर देंगे, ताकि इतने दूर से आए ताकि कुछ दिन चलना चाहिए, 6 मंथ 3 मंथ तो चलना चाहिए ना। तो थोड़ा सा ठंडा होने देता हूं। अभी क्या है इसका हीट सिंक रहने देते हैं, बाद में मैं फिक्स करता हूँ। तो ये अभी भी गर्म है, देख लेते हैं इस बार। तो एक बार सिंपली इसको चला के रन करके एक बार देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ। डिबग कट कहाँ रख दिया भाई, वो डिबग कट कहाँ रखा मैंने, यहीं पर तो रखा। अच्छा ये वाला डाल देता हूँ, मिल नहीं रहा, वो कहाँ रख दिया। तो सिंपली इससे पावर देके एक बार देख लेता हूँ, और बोर्ड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, टिगर देता हूँ 28। अच्छा 0। अच्छा चलो कोड चेंज हुआ, कोड चेंज हुआ तो 95 ए बी डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले आ गया। तो एक सेकेंड इसको भीजिए में एक बार देखेंगे। तो मतलब मैंने कहा था ये एक्सपीरियंस से होता है ये सब काम, तो हाँ आ गया। तो मैंने कहा था बायस पे नहीं जाएंगे, एमसीएच पे जाएंगे। तो ये देखो डिस्प्ले आ गया, प्रॉपरली डिस्प्ले आ गया। एक सेकेंड स्टैंड में बिठा देता हूँ, डिस्प्ले आ गया। एक बार ये स्टार्ट करके देख लेता हूँ, एक सेकेंड फिर से उठाना पड़ेगा। अगर ये स्टार्ट डालता हूँ, ये रजिस्टर डाल दिया, कहाँ है कोड। अच्छा कोड लिया पर यहाँ पर आया नहीं, अभी भी आ जाएगा। ये आ गया, हाँ आ गया। तो अभी हमारा काम क्या है, काम है ये जो एमसीएच है इसको प्रॉपरली पेस्ट देके अच्छे से इसको रिफ्लो करना। अगर आप महंगा पेस्ट मतलब महंगा पेस्ट यूज़ करते हो तो ये चल भी सकता है, एक साल भर चल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, साल भर चल सकता है, 6 मंथ भी चल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप काम कैसे करते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बॉल्स होता है। वो अगर अच्छी तरह से फिक्स होता है तो आपका चल जाएगा, साल भर भी चल सकता है, पर लाइफ टाइम भी हो जा सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है कितना दिन जाएगा। और वो गारंटी आप ही दे सकते हो, क्योंकि आप जिस तरह से रिफ्लो करेंगे और जिस तरह का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल वाला पेस्ट अगर आप डाल देते हो, मान के चलो ये पेस्ट डाल दिया तो डेफिनेटली 1 मंथ से ज़्यादा नहीं जाएगा ये, और ये वाला अगर डाल दिया तो आराम से 7 दिन के अंदर चला आएगा फिर से। और एक पेस्ट है, मिल नहीं रहा है, तो वो वाला डाल दिया तो 2-3 दिन में आ जाएगा रिटर्न। तो अभी मैं सबसे महंगा पेस्ट डाल के इसे रिफ्लो कर दूंगा ताकि चले कुछ दिन, 6 मंथ तक चले, इतने दूर से आया है। और लकीली अगर वो ज़्यादा चल गया तो उनका भला हो। तो देखो वीडियो बस इतना ही है, और इसमें कुछ नहीं है, इसका वीडियो बहुत सारा दे के रखा है मैंने। तो मैंने जो समझाया बायोस कैसे फाइंड आउट करना है, बायोस चिप, वही इस वीडियो का मेन थिंग है। तो लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। जय हिंद।